वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रखिए हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपी प्लस सी पी का पेपर हुआ है ये पंद्रह अक्टूबर को इसकी फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की देख लेते हैं हम लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम द्वारा आंसर की भी रात तक आई जाएगी कल तक आ जाएगी लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर पैराग्राफ है एक से पाँच तक सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं तो सत्य की आराधना करना है हर के मार्ग पर चलना है और अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करना है तो यहाँ पे आपका बी मोस्ट अप्रोप्रिएट सही है चिरस्थाई के लिए कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है चिरस्थाई का मतलब सदा रहने वाला शाश्वत तो पर्यायवाची पूछते तो सी हो जाता लेकिन यहाँ पे पूछा विलोम तो उत्तर हो जाएगा बी सत्य की तलाश कैसे करनी चाहिए श्रद्धापूर्वक अंतर विद्वान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए पैराग्राफ के अंतिम हिस्से में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा फोर्थ वाला थोड़ा कठिन था इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना था अदरवाइज आपका उत्तर गलत हो जाता जैसे यहाँ पर जो है हमारी टीम से कुछ गलत हुआ था पहले जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए संकटों का सामना कैसे करना चाहिए ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए यही यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि अगर निमित्त नाश करता जाता है तो सत्य से उतना ही दूर होता जाता है ठीक है तो इस वजह से ये वाला आपका सी गलत हो जाएगा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि मार्ग बहुत तंग है ऐसा नहीं दिया हुआ है पैराग्राफ में सत्य और असत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए तो यहाँ पर सत्य और अहिंसा होता तो सही हो जाता लेकिन लेकिन असत्य अहिंसा तो इससे गलत है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है उसके बाद सत्य और अहिंसा की मार को तलवार या असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है ये साफ़ साफ दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है ठीक उसके बाद यहाँ पे अभी हम इसके उत्तर बता रहे हैं आपको ग्राफ तालिका वाले के भी और यह मैथ्स के रीजनिंग के सभी उत्तर आपको बताए जाएंगे लेकिन पहले जीएस कवर कर लेते हैं देवनाम प्री और पीएदस्सी राजा किसको कहा गया है मौर्य सम्राट अशोक को जैसे स्टेट पीसीज का पेपर होता है उसमें आपसे पूछते हैं किस शिला में उसको पीएदस्सी या देवनाम पी कहा गया है ठीक है किस अभिलेख में अशोक का पर्सनल नाम लिखा हुआ है अशोक तो ये सब पूछा जाता है स्टेट पीसीस में क्योंकि पी, पी टी का पेपर है जिसमें सिंपली यही पूछा है कि देवनाम पी पीदस्सी शासक कौन था अशोक ठीक है उसके बाद है कि संगमरभर पर पिता दिव्रो पिता ड्यूरा या फिर पच्चीन या पच्चीकारी या रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय प्रचलित हुआ शाहजहाँ ये काम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है एतमत के मकबरे में और ताजमहल में भी देखने को मिलती है पश्चिमकारी तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है तांबे का सबसे पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था बहुत सिंपल से सवाल है इसका उत्तर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल में ऑप्शन नंबर सी चालकोलिथिक पीरियड में सबसे पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी राजगीर में हुई थी ऑप्शन नंबर डी ठीक है राजगीर बीबीएससी में भी आया था दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था तो इसका उत्तर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय ऑप्शन नंबर सी कमला देवी चट्टोपाध्याय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर किसका शासन था बहुत सिंपल सवाल इसका उत्तर हो जाएगा मुगलों का शासन था मुगल सम्राट का ऑप्शन नंबर डी किस मुगल सम्राट का शासन था यह बता सकते हैं कमेंट करके भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ऑप्शन नंबर ए ठीक है जो इंडिविजुअल सत्याग्रह में गांधी जी के पहले सत्याग्रही भी थे ने ने उसके बाद है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया सुभाष चंद्र बोस ने ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कहां पर देखने को मिलती है फ्रेंच रिवोल्यूशन में ऑप्शन नंबर बी इसके बाद है किस कि अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत अलग हुआ था तो भारत सरकार अधिनियम उन्नीस से अलग हुआ था ऑप्शन नंबर बी भारतीय मानक समय ग्रीनवे मीन टाइम से कितना आगे गए साढ़े पाँच घंटे आगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है इसके बाद है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है वैसे तो सारे हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly जो प्रभावित करते हैं वो शहरीकरण औद्योगिककरण और, और पानी की उपलब्धता है ठीक है प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि जहां जहाँ पर पानी की उपलब्धता है वहाँ पर आपको ज्यादा जनसंख्या वितरण देखने को मिलता है खनिज यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है ऑप्शन नंबर सी उसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसके बीच है नेपाल और तिब्बत रीजन में है ऑप्शन नंबर डी भारत में इसका कोई हिस्सा नहीं है इसके बाद अक्टूबर हीट का मुख्य कारण क्या ध्यान रखिएगा यहां पर मेन रीजन पूछा है क्योंकि रीजन तो मल्टीपल है मेन रीजन यहां पर हो जाएगा ठीक है क्या हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है मोस्ट एप्रोप्रिएट है वैसे तो ए और सी दोनों है लेकिन यहाँ पे सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है ठीक उसके बाद है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं तो प्रारंभिक चरणों की बात कर रहे हैं ठीक है प्रारंभिक चरणों में जैसे भारत आजाद हुआ था तो किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी कृषि आधारित यानी कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ ज्यादा थी जितना ज़्यादा कोई भी देश डेवलप्ड होता है जैसे अमेरिका तो वहाँ पर टर्सरी इवन क्वार्टरनरी सेक्टर की एक्टिविटीज प्रचलित होती हैं भारत जैसे देश में जब इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है तो प्राथमिक सेक्टर गतिविधियाँ होती हैं जैसे बांग्लादेश में भी अभी प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय सेक्टर की गतिविधियाँ हो रही हैं हमारा अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा क्या था तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे इरिगेशन के लिए कई सारे डैम्स बनाए जा रहे थे और हाई हिल वैराइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा बिना कोई संदेह के इसके बाद बिहार का शोक किसको कहते हैं कोसी को कहते हैं को है, ठीक है सौरव बंगाल कहते हैं दामोदर रिवर को उसके बाद एक अंतिम स्वीकृति पंचवर्षीय योजनाओं किसके द्वारा दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा एनडीसी के द्वारा ऑप्शन नंबर डी अगला सवाल है हमारा कि संघी कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं होता है अटॉर्नी जनरल होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है ठीक इसके बाद है कि वाणिज्यिक बैंक कौन सा नहीं है तो इट भी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है ठीक उसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद द्वारा एक विशेष कानून पारित करके किया जाता है वैधानिक निगम जब बनता है शायद चुट्टी कॉरपोरेशन तो इसके लिए एक स्पेशल लॉ पार्लियामेंट में पारित किया जाता है इसके बाद है कि केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय कौन सृजित कर सकता है पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर सी इसके बाद है कि अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में है 124 ठीक है 124 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसमें सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा इसके बाद है कि पचासवां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है गृह मंत्रालय के अधीन है ऑप्शन नंबर ए अगला निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है लंग्स जो है शिथिल पड़ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है ठीक है कौन सा जो है वनस्पति रेशा नहीं वनस्पति रेशा फ्लाक्स कॉटन जूट है नाइलॉन जो है फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था फर्स्ट मैनमेड फाइबर था तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है उनके तापमान पर इट्स टेम्परेचर ऑप्शन नंबर सी देन इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसेस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है देन इसके बाद है यहाँ पर हम देखेंगे उन, उनसठ नंबर है पादप का किससे बनी होती है सेलिलोज से ठीक है ऑप्शन नंबर सी आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें है किस विकल्प में परस्पर पड़ पर हैं है? तो रीता और रिक्त तो सही है लेकिन तिक्त का हो जाता है तीता ठीक है तो ये यहाँ पे गलत दानों निशाचर सही है लेकिन अंबक का मतलब हो जाता है आंखें तो ये गलत मनोरथ प्रहा सही है लेकिन निलय का मतलब होता है आवास या फिर घर या फिर ग्रह तो ये भी गलत हो गया पार्वती रुद्राणी भवानी आपस में भर रहे ऑप्शन नंबर ए नूतन का पुरातन सही विलोम युग्म है ठीक है ख्याली पुलाव पुकाने का मतलब होता है असंभव बातें करना असंभव कल्पना करना महर्षि का सही यहाँ पे हो जाएगा महर्षि ऑप्शन नंबर बी ठीक है उसके बाद है कि अर्थ भेद जो है कौन सा ये बड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन मुझे लगा ये तारीफ की जानी चाहिए इसके लिए अनिल का मतलब हवा होता है अनिल का मतलब आग होता है सही अंश का मतलब हिस्सा और अंश का मतलब कंधा अपेक्षा का मतलब आशा और उपेक्षा मतलब निराधर अवलंब का मतलब क्या होता है सहारा होता है अवलंब मतलब सहारा ठीक है अविलोकित मतलब होता है निरीक्षित तो अविलंब और विलोकित का कोई लेना देना बनी नहीं रहा है यहाँ पे ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है ये सही ढंग से नहीं खाता है अच्छा ये आप इंग्लिश वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा इसमें पूछा है कि कैरोन का ब्रदर आउटडोर टाइप है कि नहीं है तो नहीं है पैराग्राफ के हिसाब से ठीक है नेवर एन आउटडोर टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है हर ब्रदर वॉज नेवर एन आउटडोर टाइप देन इसके बाद है कि स्पीड किस लिए करेक्ट किए गए थे बेटिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी एज अ बेट उसके बाद uh, है कि द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंपाइलिंग डिक्शनरीज इसको लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं ये रीजनिंग क्वेश्चन अभी आपको बताए जा रहे हैं हम जीएस पे कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर के सवाल आने शुरू हो गए छिहत्तर से इसमें पूछा है कि 2022 में ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किसने किया था चाइना ने किया था शक्ति प्रदर्शन किया था एक तरीके से उसके बाद भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां बन रही है कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल की बात हो रही है ठीक है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो अगर पूछते तो कोची हो जाता है इसका आंसर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्चुअली ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बन रही कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बन रही कोची में ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा आगे के लिए आगे के शिफ्ट के लिए पहला कृत्रिम रूड़ किसने तैयार किया था इसराइल ने ऑप्शन नंबर ए मोदी जी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ का यहाँ पे किया था गुजरात में ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है गुजरात और इसके बाद है कि बड़े चलो अभियान किससे संबंधित है तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा आजादी का अमृत महोत्सव कौन संभाल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा सी ये बड़ा इजी था इसके बाद है कि भारतीय सेना ने अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया था उसका नाम क्या था उसका नाम था स्काईलाइट ऑप्शन नंबर सी स्काईलाइट स्काइट एयर ने अपनी पहली उड़ान कहां भरी थी अकाशा एयर ने पहली उड़ान भरी थी मुंबई से अहमदाबाद के बीच ऑप्शन नंबर डी भारत का पहला हर घर सर्टिफाइड यूनियन टेरेटरी कौन सा है ये आगे पूछ सकते हैं यहां पे पूछा है कि भारत का पहला हर घर सर्टिफाइड स्टेट कौन सा है तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा ऑप्शन नंबर सी भारत का पहला मतलब भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं तो यूए भारत के साथ अच्छे संबंध रखता है लेकिन पड़ोसी देश नहीं है उसके बाद है कि आई ने किस आई ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए ए फॉर भारत नंदन नीले कणी केंद्र के की शुरुआत की है शुरुआत की थी आई मद्रास में ऑप्शन नंबर बी विदाउट एनी डाउट चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन हुआ था बहुत सारा किलो ट्रग्स जो है डिस्ट्रॉय किया गया था यहाँ पे अमित शाह की अध्यक्षता में ऑप्शन नंबर ए और इसके बाद लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र पर आ, हंगरी की मुद्रा है हंगोरियन फोरेंट उसके बाद स्वतंत्रता के आबाद भाषा के आधार पर बने पहले राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है ऑप्शन नंबर ए इसके बाद पावर्स ऑफ माइंड पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ये दोनों बहुत जरूरी टर्म्स थे इसके बाद है कि नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कमीट, का जो हैडक्वार्टर है वो कहां पर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा अब यहाँ पे गद्यांश है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य समाज साहित्यकार अपने साहित्यकार समाज के प्रति उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है साहित्यकार समाज के प्रति अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है इसके बाद है कि पुरानी पीढ़ियों की जानकारी कैसे देता है साहित्य में ऐसे देता है कि राष्ट्र का इतिहास गरिमा, सभ्यता संस्कृति पूर्वजों का विचार अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है साहित्यकार समाज का दर्पण क्यों नहीं होता है ध्यान रखना है क्यों होता है कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि साहित्यकार क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर सिर्फ दर्पण होता तो साहित्यकार या कवि समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं पर प्रहार नहीं करता ठीक है ये ध्यान से पढ़ना था आपको सौ नंबर का जो उत्तर है वो ए ही सही है अगर आपने कोई बिल लगाया है तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ से बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग और एप्टीट्यूड सेक्शन की जितने भी सवाल आए हैं सारे एक साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर छः से दस के लिए जिसमें हमें इस पर्टिकुलर टेबल को ध्यान में रखना है जिसके हिसाब से अलग अलग सालों में अलग अलग एक्सपेंडिचर कितना लगा किसी कंपनी के द्वारा लाख रुपये में यानी जो भी यहाँ पर नंबर दिया है इं टू एक लाख ये चीज़ें तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं काफ़ी सिंपल सी टेबल थी छः नंबर में पूछा गया है कि साल 2011 में ये जितने भी पैरामीटर हैं इन सब का कुल एक्सपेंडिचर 2015 में इसी चीज़ का कितना परसेंट था तो इन सब चीज़ों को अगर हम जोड़ लें 2011 के लिए तो ये निकल करके आता है पाँच उसी तरीके से अगर इनको जोड़ा जाए तो यह आता है सात परसेंटेज जानने के लिए टू हंड्रेड करेंगे तो यह 68.33 के आसपास आ जाना चाहिए सी वैसे ये यहाँ पे 500.4 होगा क्योंकि ये 110 नहीं 100 है उसके बाद अगले में पूछा हुआ है कि इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान ब्याज का एवरेज कितना था तो ये रहा ब्याज इन सब का आपको एवरेज चाहिए एवरेज का मतलब यह हुआ कि इन सबको जोड़ के बटे में पाँच कर देंगे क्योंकि पाँच अलग अलग सालों की बात हो रही है तो यहाँ पे जब ऐसा करेंगे तो छब्बीस पॉइंट छः छः सही हो जाएगा उसके बाद अगले में कहा जा रहा है कि इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी बोनस दिया गया वो टोटल सैलरी का कितना परसेंट था तो यहाँ पर अगर हम टोटल बोनस ऐड करना चाहें तो इन सबको जोड़ने पर एग्जैक्ट बार आता है और जो टोटल सैलरी है वो यहाँ पर जोड़ लेंगे तीन तीन छः पाँच ग्यारह तीन चौदह चार अट्ठारह अठारह सौ चार दो छः चार दस उन्नीस सौ उन्नीस सौ पचास नाइनटीन फिफ्टी फोर ये यह यहाँ से सौ जब कटेगा तो नाइनटीन पॉइंट फाइव फोर होगा ये पॉइंट सिक्स के आसपास आना चाहिए पॉइंट सिक्स कहाँ पर कि आपको डी में उसके बाद नेक्स्ट है साल दो में टोटल एक्सपेंडिचर कितना था तो दो का टोटल आपको सिंपली जोड़ लेना है तो जब सबको जोड़ा जाएगा तो आंसर आएगा सात लाख यहाँ से हो जाएगा डी उसके बाद आखिरी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टेबल से है कि इन सभी सालों में जो टोटल एक्सपेंडिचर टैक्स के ऊपर लगा मतलब ये आठ सात पंद्रह सात बाईस आठ तीस ये चार सौ दस चार सौ बीस और चार सौ छत्तीस इसका रेशो किससे चाहिए फ्यूल और ट्रांसपोर्ट वाले से एक दो तीन चार पाँच पाँच सौ पाँच तीन आठ एक नौ पाँच सौ नब्बे छः सौ छः सौ चार ये एक सौ इक्यावन एक सौ नौ बट एक सौ इक्यावन मतलब ए इसका क्वेश्चन नंबर ग्यारह से पंद्रह के लिए आपको इस पर्टिकुलर टेबल को ध्यान में रखना है जिसमें तीन तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले तो कार के नाम अलग अलग कारों के बारे में आपको जानकारी दी गई है उसका एवरेज दे रखा है कि कितना माइलेज देती है मतलब एक किलोमीटर में एक लीटर पेट्रोल में या डीजल में जो भी है वो कितने किलोमीटर आगे जाती है एक दिन में कितना डीजल लग रहा है हर एक अलग अलग कार के लिए वो जानकारी दी गई है साथ में टाइम दिया हुआ है और टाइम के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो टाइम जो है इसमें गाड़ी सिर्फ चली है गाड़ी खड़ी नहीं रही है या फिर कह लें कि जितनी भी देर गाड़ी खड़ी रही है उसका टाइम इंक्लूडेड नहीं है इसमें उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है ग्यारह नंबर आपको टाइम का रेशो बताना है मिनी कार के लिए अगर वार्ड सौ किलोमीटर चलती है किससे बताना है स्विफ्ट कार के नौ किलोमीटर से और स्पीड कौन कौन से लेनी है जो मिनी और स्विफ्ट की अपनी अपनी एवरेज स्पीड है वो लेनी है तो सबसे पहले कौन सी कार आपको चाहिए मिनी उसके बाद स्विफ्ट तो ये है मिनी और ये है स्विफ्ट तो मिनी एक लीटर में पच्चीस किलोमीटर इनफैक्ट बीस और पच्चीस लीटर उसमें डीजल डला है तो टोटल डिस्टेंस हो गया पच्चीस इंटू दिन का है तो दस दिन का इंटू 10 ये तो ये तो मिनी का टोटल डिस्टेंस हो गया और इतना डिस्टेंस वो कितने घंटे में चली है अस्सी घंटे में 62.5 इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है मिनी की उसके बाद है स्विफ्ट तो उसका एक दिन का डिस्टेंस हो जाएगा दिस इंटू दिस 220, दस दिन का 2200 सौ पचपन घंटे में वो चली है यानी कि 40 की उसकी स्पीड आ गई ठीक तो स्विफ्ट की एवरेज स्पीड चालीस है मिनी की है साढ़े बासठ तो मिनी का टाइम कितना हो गया टोटल डिस्टेंस यानी ये और एवरेज स्पीड मतलब सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इसका रेशियो चाहिए किसके साथ स्विफ्ट के नौ सौ नब्बे और इसकी एवरेज स्पीड है चालीस ये एट सेवेंटी फाइव बाई सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इंटू फोर्टी बाय नाइन नाइन्टी चौदह बार में कटेगा छप्पन बटे निन्यानबे यहाँ से सही हो जाएगा डी उसके बाद बारह नंबर में पूछा है ऑल्टो और टियागो की एवरेज स्पीड का रेशियो तो ये जो बारह नंबर है ऑल्टो के लिए बात करते हैं एक दिन का डिस्टेंस हो जाएगा पच्चीस इंटू दस ढाई सौ और दस दिन का हो जाएगा इंटू एक बारह और दस तो पच्चीस सौ बटे में पचास करेंगे क्योंकि स्पीड निकालनी है पचास घंटे में पच्चीस सौ तो एक घंटे में कितना तो पचास किसकी स्पीड आ गई ऑल्टो की टियागो की बात करते हैं तो एक दिन का डिस्टेंस बारह इंटू तीस तीन सौ साठ दस दिन का छत्तीस सौ एवरेज स्पीड आ जाएगी छत्तीस सौ बटे पचास मतलब बहत्तर टू ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सिक्स पच्चीस बटे छत्तीस यहाँ से सही आना चाहिए कौन सा ऑप्शन मैच होना चाहिए बी वाला तेरह नंबर की बात करेंगे तो दो अलग अलग कारों की बात हो रही है जिसमें एक है अल्टो दूसरी है क्विड दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं किस स्पीड से आ रही हैं जो भी उनकी एवरेज स्पीड हम दस दिनों की उसी से आ रही हैं जब ये मिलती हैं तो उसके बाद एक दूसरे से जहां मतलब इस तरीके से हुआ होगा कि ये कार अगर ऐसे आ रही है दूसरे ऐसे मान लो यहाँ पे मिली तो जो कार इधर से आ रही है वैसे चली जाएगी जो इधर से आ रही थी वैसे चली जाएगी ये चीज हुई है यहाँ पर शुरुआत में दोनों कारों के बीच में डिस्टेंस था तेईस किलोमीटर तो ये टोटल तेईस किलोमीटर का डिस्टेंस है यह है ऑल्टो दूसरी है क्विड ऑल्टो की स्पीड आ रही थी 50 और क्विड की देख लेते हैं यहाँ पे क्विड की भी हो जाएगी 5000 बटे 100 मतलब 50 तो बेसिकली दोनों की एवरेज स्पीड 50 है यह 2300 किलोमीटर ये ऑल्टो ये, ये क्विड ये 50 की स्पीड से आ रही है ये 50 की स्पीड से आ रही है मान लो दोनों यहाँ पे मिल गई ये डिस्टेंस x हुआ यह 2300 x हुआ ठीक अब जो कार इधर से आ रही थी क्विड 50 की स्पीड से यहां पे मिलने के बाद उसको x किलोमीटर आगे जाना है और यहां पे जो कार इधर से आ रही थी उसको आगे तेईस सौ माइनस एक्स जाना है मतलब शुरुआत में इन दोनों ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया तो एक दूसरे के डिस्टेंस को बदल लेना है बस ठीक यही तो करना है तो अब हमको ये बताइए कि ऑल्टो और क्विड जब एक दूसरे की जगह पर पहुंचेंगी मतलब ये कार जो इधर से आई थी वो अगर इधर पहुंचेगी और जो कार इधर से चली थी वो इधर पहुंचेगी तो टाइम का डिफरेंस तो कुछ भी टाइम का डिफरेंस नहीं होगा कॉमन सेंस है क्योंकि एवरेज स्पीड दोनों की सेम है और दोनों ने एक दूसरे के विपरीत डिस्टेंस चलना है जितना डिस्टेंस पहली वाली ने चला तो वो अब दूसरी वाली को चलना है ये वाली बात है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि जितना टाइम पहली वाली को लगा उतना दूसरी वाली को लगना है और जितना दूसरी वाली को लगा उतना पहली वाली को लगना है तो बात तो वही पड़ गई ना टाइम तो उतना ही लग रहा है बस कारें बदल गई तो टाइम के बीच में कितने का अंतर हुआ कुछ भी नहीं जीरो घंटा नेक्स्ट देखिए चौदह नंबर इसमें सभी कारों का जितना भी टोटल डिस्टेंस है इन दस दिनों के अंदर उतना ही अगर कार ए डेढ़ सौ घंटे में कवर करती है और कार बी जो है वो तीन सौ घंटे लेती है तो दोनों की जो एवरेज स्पीड है उसका अंतर बताना है तो ऑल्टो का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दस दिनों का पच्चीस सौ क्योंकि एक दिन का पच्चीस इंटू टेन ढाई सौ इंटू दस दिन इसी तरीके से ये हो जाएगा बाईस सौ ये हो जाएगा छत्तीस सौ ये हो जाएगा पाँच हज़ार और ये भी हो जाएगा पाँच हज़ार तो तेरह दो पंद्रह दो सत्रह पाँच दो सात छः तेरह यानी अट्ठारह हजार तीन सौ यह डिस्टेंस कार ए लेगी डेढ़ सौ घंटा इसको कवर करने के लिए तो इसकी स्पीड आ जाएगी एक सौ बाईस और चूंकि जो दूसरी वाली कार है वो तीन सौ ले रही है तो इसका आधान सर आएगा ऊपर इकसठ हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस इकसठ हो जाएगा एक सौ बाईस माइनस इकसठ बी यहाँ से एकदम सही है उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टेबल से कि टियागो और मिनी ने जितना भी टोटल डिस्टेंस चला इन दस दिनों में उनका रेशियो चाहिए तो टियागो का डिस्टेंस ऊपर मिनी का नीचे ये टियागो ये छत्तीस सौ मिनी है पाँच हजार अट्ठारह बटे पच्चीस ए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सोलह से बीस के लिए अगले ग्राफ की ओर मूव करेंगे जिसमें हमें इस वाले लाइन ग्राफ को ध्यान में रखना है जिसके हिसाब से छह अलग अलग सालों में कंपनी के कितने लोग नौकरी ज्वाइन करें कितने लोग छोड़ के गए इस चीज़ की जानकारी दी गई है समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो आपको पतली लाइन दिखाई पड़ रही है ये वाली इसका ये मतलब है कि कितने कितने लोग कंपनी में नए ज्वाइन हुए उसके बाद ये जो मोटी वाली लाइन है इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं ये इसका ये मतलब है कि कितने कितने लोग कंपनी छोड़ के गए तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि अलग अलग साल में टोटल कितने इम्प्लॉय थे इस कंपनी में क्योंकि साल दो में तो पाँच हज़ार इस चीज़ की जानकारी हमें दी गई है तो दो के लिए अगर आप बात करेंगे तो आपने ये देखा कि पाँच लोग ज्वाइन हुए सौ लोग चले गए तो इसका मतलब नेट में इक्यावन सौ होगा क्योंकि पचपन सौ माइनस चार सौ इक्यावन सौ उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 600 चले गए आप यहाँ से ये यह याद रख सकते हैं कि जितने रेड वाले हैं उतने चले गए तो इक्यावन सौ थे साल 2001 में 2002 पे अगर हम आते हैं तो 600 चले गए पैंतालीस सौ बच्चे चार आ गए यानी टोटल हुआ फोर उसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो उनचास पचास दो में थे इसके बाद छः आ गए तो पचपन पचास हो गया पाँच चले गए तो पाँच उसके बाद अगर आप 2004 पे जाते हैं तो 2003 में 5000 हज़ार हैं सत्तावन तो सौ माइनस पाँच सौ यानी बावन सौ हुआ ये उसके बाद 2005 में अगर आप देखेंगे तो छः सौ चले गए छियालीस सौ फिर पाँच सौ पचास आ गए तो इक्यावन सौ पचास हो गए उसके बाद 2006 में अगर आप बात करें तो सात सौ जुड़ गए तो अट्ठावन सौ पचास छः सौ पचास चले गए तो बावन सौ हो गए ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल करके आती हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीन रख सकते हैं आगे के क्वेश्चन का रेफरेंस लेने के लिए तो सबसे पहले पूछा है दो में कितने लोग थे तो आपने अभी अभी देखा है कि एग्जैक्टली पाँच लोग थे सी सत्ता में यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 2003 में जितने थे वो 2006 का कितना परसेंट थे लगभग तो 2003 वाले तो 5000 थे 2006 वाले बावन थे ये लगभग 96.15 के आसपास आएगा ए 18 में पूछा गया है कि इन सभी सालों में जितना भी सबसे कम नंबर में इम्प्लॉय ज्वाइन हुआ उसका रेशियो चाहिए किससे इन सभी सालों में जितने मैक्सिमम छोड़ के चले गए उनसे तो जिन्होंने ज्वाइन किया उसका सबसे कम चाहिए तो ज्वाइन वाला आपको ये दिख रहा है ये पतली लाइन तो ज्वाइन वाला सबसे कम ये क्लियर देख सकते हैं चार सौ पचास इससे नीचे तो कुछ है नहीं तो चार सौ पचास ऊपर अब जो छोड़ने वाले हैं मतलब ये मोटी लाइन ये वाली इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये छः सौ पचास है सबसे बढ़िया इसके ऊपर तो कोई है नहीं छः सौ पचास फाइव नाइन ज़ा फाइव थर्टीन ज नौ बटे तेरह यहाँ से सही हो गया मतलब ऑप्शन बी उसके बाद पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऐसा साल है जिसमें पिछले साल के मुकाबले कंपनी छोड़ने वालों में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट जो भी हुई वो मैक्सिमम मिली तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा दो हज़ार एक के लिए ये हमारा सौ का डिफरेंस है पाँच सौ पे बीस परसेंट ये डेढ़ का डिफरेंस है छः पे पच्चीस परसेंट ये पचास का डिफरेंस छः पे मतलब एक बटे बारह साढ़े बारह परसेंट ये दो का सात पे यानी करीब चौदह परसेंट ये भी साढ़े बारह परसेंट ये पचास बटे में सात सौ ये लगभग सात परसेंट के आसपास तो सबसे बड़ी परसेंटेज वैल्यू ये पच्चीस है जो कि हमें मिल रही है साल दो हज़ार दो में दो हज़ार दो का मतलब हुआ ए उसके बाद बीच में पूछा हुआ है कि दो हज़ार दो से तीन के बीच में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ तो जैसा कि हमें डेटा याद था साल दो में उनचास पचास यहाँ पे पाँच तो पचास का डिफरेंस हुआ उनचास पचास पे तो सौ पे कितना मतलब परसेंटेज ये करीब करीब वन पॉइंट जीरो वन परसेंट के आसपास आएगा मतलब अप्रॉक्सीमेटली वन परसेंट उसके क्वेश्चन नंबर इक्कीस पच्चीस के लिए इस वाले बार ग्राफ की ओर मूव करेंगे जिसके हिसाब से अलग अलग सालों में किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कितने कितने खिलौने बनाए थे सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह होगा कि दो हज़ार ग्यारह के कम्पेरिजन तो में, में, तो में दो में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ तो दो में चालीस और दो में अठारह तो पंचनवे पचपन का फर्क हुआ चालीस पे इन टू हंड्रेड दो सौ पचहत्तर बटे में तो मतलब एक सौ सैंतीस पॉइंट पाँच ये यहाँ से एकदम सही है उसके बाद बाईस है कि पिछले साल की तुलना में इनमें से कौन से ऐसे साल में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला है तो पूरा कैलकुलेशन करने से अच्छा बस डिफरेंस को देखिए ये पंद्रह का डिफरेंस चालीस पे ये बीस का डिफरेंस पचपन पे ये तो कम हो गया इसकी कोई गुंजाइश नहीं यहाँ पे बीस का साठ पे ये कम हो गया इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पच्चीस का पैसठ पे तो पैंसठ जो कि कम वैल्यू है उसके हिसाब से पच्चीस सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है दो हज़ार सत्रह में तो कौन सा साल हो गया दो हज़ार सत्रह मतलब बी उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा साल है जिसमें एवरेज के मुकाबले प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो सबसे पहले तो इन सबको को एवरेज चाहिए जिसके दो तरीके या तो सबको जोड़ के दस से डिवाइड कर लें इनफैक्ट आठ से या तो फिर अपने मन से कोई एवरेज माने इन सब डेटा को ध्यान में रखते हुए हम एवरेज मानते हैं सत्तर ये चालीस है तो तीस कम है माइनस तीस ये पचपन पंद्रह कम है ये पचहत्तर पाँच ज़्यादा ये साठ दस कम है यह अस्सी दस ज़्यादा है ये पैंसठ पाँच कम है ये नब्बे तो बीस ज्यादा है ये पंचानवे तो पच्चीस ज्यादा है ये कैंसिल ये कैंसिल ये, ये माइनस पैंतालीस ये प्लस पैंतालीस ये भी कैंसिल आंसर जीरो बटे में आठ यानी फिर से जीरो तो इसका मतलब ये होगा कि जो एवरेज माना था वही रहेगा सेवनटी सेवेंटी यहाँ पे एवरेज है तो कुल मिला ये देखना है कि कहाँ कहाँ सेवनटीट से ऊपर वैल्यू है एक दो तीन चार तो चार जगह पे है यानी कि ऑप्शन बी उसके बाद दो हज़ार तेरह से चौदह के बीच में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट देखने को मिला तो ये पचहत्तर ये साठ पंद्रह का डिक्रीमेंट पचहत्तर पे वन बाई फाइव मतलब बीस परसेंट बीस परसेंट कहाँ है डी में उसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन से साल दो हज़ार पंद्रह सोलह का जो भी एवरेज था वही एवरेज इनमें से किन दो सालों के बीच आपको देखने को मिला था तो दो सालों का एवरेज चाहिए मतलब दोनों का सम डिवाइड बाई टू तो एवरेज देखने से अच्छा आप सम देख लें दो हजार पंद्रह सोलह में आठ छः चौदह और पाँच वन फोर्टी फाइव अब वन फोर्टी फाइव कहाँ आ रहा है आपको देखना पड़ेगा क्या चौदह पंद्रह में आ रहा है नहीं छः आठ चौदह एक सौ चालीस या चौदह सोलह में आ रहा है छः छः बारह एक सौ पच्चीस ये भी नहीं क्या सोलह सत्रह में नौ से पंद्रह सौ पचास से ऊपर निकल गया तो बाई डिफॉल्ट डी सही हो गया आप वेरीफाई कर सकते हैं दो हज़ार बारह और सत्रह नौ पांच चौदह एक चार पाँच बिल्कुल सही आ रहा है इसके बाद पचपन नंबर से शुरुआत होगी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की सबसे पहला सवाल है सिम्प्लीफिकेशन से तो इसको सिंप्लीफाई करने की गलती नहीं करना क्योंकि दस मिनट वेस्ट हो जाएगा कम से कम तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम जीरो पॉइंट जीरो फाइव और जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव को कंपेयर कर सकते हैं ये दस गुना है ऐसे ही पॉइंट फोर वन इस चीज़ का नीचे वाले का दस गुना है ऐसे ये भी है लेकिन स्क्वायर करने के बाद दस गुना और हो जाएगा मतलब टोटल हंड्रेड हो जाएगा डी उसके बाद छप्पन वन डायग्राम से समाचार सॉरी समाचार पत्र जो एक्स है उसको पढ़ने वाले चालीस परसेंट हैं और वाई वाले पचास हैं ये एक्स ये वाई ये चालीस परसेंट ये पचास परसेंट और दस परसेंट दोनों वाले हैं ठीक तो चालीस दस तो इधर ही आ गया ये चालीस मतलब ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं तो वाई नहीं पढ़ते हैं हो सकता है बिल्कुल पढ़ते हैं क्योंकि सिर्फ समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं ऐसा तो लिखा नहीं है तो चालीस यहाँ गया दस इधर है तो बाकी का अंदर तीस ऐसे ही पचास बाहर है दस अंदर है तो बाकी का यहाँ पे चालीस अब अंदर अंदर वाला सब जोड़ के मैं पता चल जाएगा कि, कि कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं तीस दस चालीस चालीस अस्सी इसका मतलब बाकी के बीस परसेंट कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और भाई हमसे पूछा भी है आंसर होगा डी इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज से पाँच रिजल्ट का एवरेज छियालीस है तो टोटल हो जाएगा पाँच रिजल्ट का सम छियालीस इन टू पाँच दो सौ तीस और पहले चार का पैंतालीस है तो चार का हो जाएगा पैंतालीस चौके एक सौ अस्सी तो जो रिज़ल्ट छ हो जाएगा पचास दो सौ तीस माइनस एक सौ अस्सी बी उसके बाद सिंपल स्क्वायर रूट निकालना है आपको स्क्वायर रूट निकालने की जो टेक्निक है वो हमारे यू पी पी से सी सैट वीडियो में बताई गई तो खैर सीधे आगे बढ़ते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट वन वन सिक्स हो जाएगा फाइव पॉइंट फोर सिक्स वैसे ही रूट ओवर सेवन पॉइंट फोर हो जाएगा एट पॉइंट एट आठ पाँच तेरह आठ ये हो जाएगा फोर्टीन पॉइंट टू सिक्स मिला के डी उसके बाद उन्तर नंबर से शुरुआत होती हुई रीजनिंग सेक्शन की एक महिला की ओर पॉइंट आउट करते हुए नीलेश ने क्या कहा है मेरी पत्नी के दादा की लौती बेटी तो अगर दादा की किलौती संतान है मतलब खुद उसी की बात हो रही है मतलब उसके पिता की सॉरी दादा की ललौती संतान मतलब उसके पिता हुआ मेरी पत्नी के दादा की लौती संतान यानी पत्नी के पिता की बेटी वो भी लौती यानी खुद पत्नी तो महिला नीलेश की कौन हुई ऑबियस बात है पत्नी वाइफ ए सेवेंटी नंबर में आर्ड वन आउट चुनना है आठ मतलब टू क्यूब सताइस तीन क्यूब चौंसठ चार क्यूब एक सौ पच्चीस पांच क्यूब दो सौ 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 सोलह छह क्यू तीन सौ तिरालीस सात क्यूब लेकिन सौ किसी का क्यूब नहीं है वो टेन का स्क्वायर है तो सौ यहाँ सेन आउट ए उसके बाद कैलेंडर का सिंपल सा एक एप्लीकेशन है एक जनवरी दो हजार छः को रविवार था तो एक एक जीरो साल का हो जाएगा मंडे सिंपल प्लस वन क्योंकि हम लीपी आर में नहीं गए ना ही उसकी उमति स्वरभरी पार की है जो कि मैटर करती है यहाँ पे फिर एक एक जीरो आठ ये ट्यूज़डे क्योंकि दो हज़ार आठ बड़े लीपियर हो, लेकिन अभी उसकी उतनी फरवरी पार नहीं हुई है फिर एक एक जीरो नौ यहाँ थर्सडे प्लस टू क्योंकि क्योंकि दो हज़ार आठ की जनवरी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो बीच में उसकी फरवरी भी पड़ी होगी जिस वजह से एक्स्ट्रा प्लस वन फिर फाइनली एक दस ये थर्सडे के बाद फ्राइडे कौन सा वाला ऑप्शन है तो ए उसके बाद नेक्स्ट है सिलोज सेवेंटी फोर आप यहाँ पे हिंदी में पूरा देख सकते हैं कुछ जनरल किताबें हैं कुछ ये वो हैं वगैरह वगैरह सीधे आते हैं डायग्राम बनाने के लिए तो कुछ जनरल बुक्स हैं उसके बाद कुछ कैलेंडर पेपर हैं कुछ बुक जनरल हैं कुछ बुक कैलेंडर हैं तो बुक कैलेंडर हैं और कुछ कैलेंडर पेपर हैं जो बेसिक बन सकता था बना लिया सॉरी यहाँ पे गलती हो गई स्टेटमेंट की जगह हम कंक्लूजन पर पहुँच गए तो खैर स्टेटमेंट जितनी भी किताबें हैं वो पेपर हैं कुछ पेपर जनरल हुए कुछ जनरल कैलेंडर हुए कुछ जनरल बुक हुए क्या जी नहीं दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है कुछ कैलेंडर पेपर हुए क्या तो नहीं दूर दूर तक कम कॉमन नहीं है कुछ कुछ बुक जनरल हुए क्या नहीं कुछ बुक कैलेंडर हुए क्या तो वो भी नहीं ना बुक कैलेंडर है ना बुक जनरल है ना कैलेंडर पेपर है ना जनरल बुक है तो यहां पे कुछ भी मैच कर नहीं रहा है तो नन ऑफ दिस उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग से नॉर्मल का कोड ये है तो गैदर का क्या होगा तो एल का एम ए का बी एम का एल तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं एल का एम तो इधर हो जाएगा आर का एस ये चीज तो फेल हो गई क्योंकि कोई ऑप्शन है ऐसे मिला नहीं एक अन्य लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है आप ग्रुप बना ले तीन तीन के तो ग्रुप बनाने के बाद क्या हो सकता है एन ओ आर आर पी एन तो एन आर की जगह आर एन कर दिया और ओ का पी कर दिया नेक्स्ट वाला ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे जी टी को बदल देंगे टी जी हो जाएगा एक जगह बी हो जाएगा तो टी बी जी उसके बाद जिस तरीके से एम ए एल को एल बी एम बनाया एल एम को पलट दिया एक बी कर दिया वैसे ही यहाँ पे एच ई आर की जगह आर एच और ई की जगह एफ तो टी बी जी आर एफ एच टी बी जी आर एफ एच मतलब ए